नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज की फिल्मी दुनिया में। हेमा मालिनी, संजीव कुमार और धर्मेंद्र की सीता और गीता जबरदस्त हिट रही थी, जिसकी वजह से रमेश सिप्पी अगली फिल्म भी तीनों के साथ बनाने को तैयार थे। उस समय शादीशुदा धर्मेंद्र पूरी तरह हेमा मालिनी के प्यार में डूबे हुए थे और ड्रीम गर्ल संजीव कुमार के शादी का प्रस्ताव ठुकरा चुकी थी। इसीलिए डायरेक्टर ने जब धर्मेंद्र के आगे एक खास शर्त रख दी तो वे फिल्म में अपना पसंदीदा रोल छोड़कर हेमा मालिनी के ऑपोजिट रोमांटिक रोल करने को तैयार हो गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अंदाज और सीता और गीता बनाने के बाद रमेश सिप्पी एक्शन से भरपूर फिल्म बनाना चाहते थे। जब सलीम खान, जावेद अख्तर ने उन्हें शोले की कहानी सुनाई तो हेमा मालिनी, संजीव कुमार और धर्मेंद्र के साथ इसे झटपट बनाने को तैयार हो गए, मगर धर्मेंद्र ठाकुर का रोल निभाना चाहते थे। दुविधा से घिरे रमेश सिप्पी ने धर्मेंद्र के सामने अनोखी शर्त रख दी। रमेश सिप्पी के सामने मुश्किल यह थी कि धर्मेंद्र को वीरू से ज़्यादा ठाकुर का रोल पसंद आ रहा था, लेकिन जब डायरेक्टर ने धर्मेंद्र को बताया कि वीरू का रोल बसंती के ऑपोजिट है तो उन्हें यह सुनहरा मौका छोड़ना गवारा नहीं लगा। वे तब हेमा मालिनी के प्यार में खोए हुए थे। रमेश सिप्पी ने कहा था, धर्मजी विलेन के रोल से प्रभावित थे, लेकिन फिर बोले कि वे ठाकुर का रोल निभा सकते हैं क्योंकि फिल्म की पूरी कहानी ठाकुर पर है। फिर मैंने उनसे कहा कि उन्हें हेमा मालिनी नहीं मिलेंगी। वे हंसने लगे और वीरू का रोल निभाने को तैयार हो गए। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के प्यार का सिलसिला फिल्म तुम हसी मैं जवां के सेट पर शुरू हुआ था। संजीव कुमार भी हेमा मालिनी पर फिदा थे, लेकिन हेमा मालिनी ने उनके प्रपोजल को ठुकरा दिया था और शादीशुदा धर्मेंद्र के साथ 1980 में धर्म बदलकर शादी कर ली थी। रमेश सिप्पी ने शोले को लेकर पीटीआई को कहा था, फिल्म की कहानी तैयार थी, बाद में सिर्फ किरदार वजूद में आए। शोले की मूल कहानी में दो लड़के जय और वीरू आर्मी से थे जिन्हें बदल दिया गया, और संजीव कुमार का किरदार ठाकुर भी एक आर्मी ऑफिसर था जिसे बाद में पुलिस वाले के रोल में दिखाया गया। रमेश सिप्पी ने फिल्म के बनने की कहानी बताते हुए कहा था, मूल कहानी दो लड़कों जय और वीरू के बारे में है जो जेल से छूटकर आए हैं और ठाकुर की इमोशनल स्टोरी का हिस्सा बन जाते हैं। फिल्म का हर एक किरदार एक के बाद एक जुड़ता चला गया। शोले को बनाने की जर्नी लंबी और काफ़ी थकाऊ थी। हालांकि डायरेक्टर और कलाकारों की मेहनत रंग लाई। फिल्म की शूटिंग लगभग 500 दिनों तक चली। उस वक्त ना VFX था और ना ही आज जैसी तकनीक थी, फिर भी रमेश सिप्पी ने हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन और संजीव कुमार के साथ एक ऐसी फिल्म बनाई जिसकी रिलीज के 48 साल बाद भी लोग इसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।